नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम बलुआ पंचायत में मौजूद हैं। हमारे साथ बलुआ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त हैं। बता दें कि ये पिछले 10 वर्षों से पैक्स रह चुके हैं, इस बार इन्होंने निर्विरोध पैक्स रह चुके हैं अपने पंचायत में इस बार। तो इस बार अपने बड़े भाई को चुनाव लड़ा रहे हैं मुखिया का, तो आइए इनसे जानते हैं कि अपने पंचायत के लोगों के लिए इन्होंने क्या सोचा है, क्या करेंगे और इस बार इनकी प्लानिंग मुखिया में कैसे बनी, ये भी इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार, क्या बताना चाहेंगे सर, इस बार मन कैसे बना मुखिया के चुनाव लड़ने? देखिए, हम लोग का चुनाव में ये इंटरेस्ट नहीं था कि हम लोग का मुखिया के चुनाव लड़ना है। जनता ने हम लोगों को बहुत मान लिया आश्वासन से, वर्तमान मुखिया को हम लोगों के कहने से और प्रयास से उसको दोबारा मुखिया बनाया था जी। बहुत मेहनत उन लोगों के लिए किए थे, बाकी वे अपने 10 साल के कार्यकाल में आज तक 15 अगस्त और 26 जनवरी को कभी गांव में चाहे पंचायत के एक भी बुजुर्ग या नौजवान को निमंत्रण नहीं दिया कि आइए, आज राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी और 15 अगस्त, उस में आज तक जनता का कभी निमंत्रण नहीं दिए। उसके बाद 7 निश्चय रुपये आया तो इतना ना उन्होंने बंदर बाँट किया कि कोनो लिमिट नहीं था कि वार्ड में कितना पैसा खर्च करना है। वो अपने वोटर के हिसाब से, अपने चहेता के हिसाब से और जो वोट दिया था उसको दरकिनार करते हुए कि वो तो हमारा वोटर है, उसका काम एक भी नहीं हुआ। और जितने विरोधी थे उनका मान लें कि स्पेशल काम हुआ, इंदिरा आवास में बहुत मान लें कि भ्रष्टाचार हुआ, योजना में मान लें कि बैठे खाली वो कमीशन के सिवाय दूसरे से माने आज तक एक आम सभा भी 10 साल के रिजल्ट में नहीं हुआ है। कभी भी एको आम सभा नहीं हुआ कि इस वार्ड में कोई योजना सरकार का महत्वाकांक्षी योजना आया हम वहाँ पर लागू करें, एक भी योजना उन्होंने लागू नहीं किए, ना किसी से मान लें कि राय मशविरा किए। अपने मन से हम लोगों ने उनको मान लें कि पढ़े लिखे समझ कर वोट दिए थे। पहला 5 साल तक तो उनका कार्यकाल मान लें मिला जुला कर ठीक चला, बाकी यह 5 साल में इतना ना उन्होंने पैसा आया और पैसे के बल पर इतना ना पियकड़ पैदा कर दिए कि हमारे पंचायत के नौजवानों का भविष्य ये बिगड़ गया। तो जनता ने हम लोगों को यही राय मशविरा दिया कि नहीं, आप लोगों के कहने से मैंने उनको वोट दिया था, आप लोगों से हम लोगों को उम्मीद है, तभी हमको दोबारा जनता ने निर्दोष चुना। 10 साल हम लोग पंचायत समिति भी रहे हैं, तो पंचायत समिति में हम लोग ऐसा कोई भी मान लें कि फंड नहीं आया कि जनता का हम लोग उससे मान लें कि कुछ सेवा कर सके। ब्लॉक स्तर पर जो भी काम आया तो ब्लॉक में हम लोगों ने अपना दबदबा कायम रखा, डायरेक्ट उच्च पदाधिकारी से संपर्क रहा, तो ब्लॉक में एक भी काम हम लोगों का अधूरा नहीं रहा। पेंशन का हो, राशन कार्ड के लिए फार्म जमा हो, या बाढ़ राहत में मान लें कि इस बार 2019 में बाढ़ आया, उन्होंने बिना अनुसरण से मुखिया जी कुछ चहेतों को पैसा दिलवाए, उसमें 700 कुछ आदमी का लगभग पैसा रह गया जी। इन लोग जैसे हम जैसे किसान का 40 बीघा मान लें खेती करते हैं, बाढ़ में मान लें कि दहाड़ हुआ, एक भी हमारे परिवार में पैसा नहीं आया, उनसे हम लोग बोल रहे थे कि क्या मुखिया जी क्या हो रहा है, तो आ जाएगा, बस यही आश्वासन देते थे। एक बार भी कभी ब्लॉक नहीं जाते हैं, ब्लॉक में कोई ऐसा भी कर्मचारी होगा कि जो इनको नहीं पहचानते होंगे कि 10 साल का ये मुखिया है, क्योंकि इनको खाली दारू के सिवाय इस पंचायत में दूसरे वोटों को कदर नहीं है। जो दारू पीता है उनका इनके पास बहुत बढ़िया से कदर है जी। तो कहा जाए कि यही सब कमियां देख के जनता ने आपको, आप लोगों को खड़ा करा हाँ। तो सर क्या निश्चित क्या किया है, अगर जनता आपको जिताती है, सपोज डैट आप मुखिया बन गए, तो क्या सोच के रखा है विकास के लिए? देखिए, हर वार्ड में एक कमेटी बनेगी जी। एक वार्ड तो चुन के ही करेंगे, एक उसमें वहाँ के हर कार्ड से उस कमेटी में एक एक गर्जीवन को उनमें इन्वॉल्व किया जाएगा। जो भी उस वार्ड में काम होगा वहाँ की कमेटी जो कहेगी पहला प्राथमिकता वही होगा। उसमें पैसा कुछ मान लें काम होता है, उसमें मान लें मुनाफा भी होता है, उस पैसा को उसी वार्ड में मान लें कि रख दिया जाएगा उस कमेटी के पास। किसी का लड़की का शादी पैसा के अभाव में नहीं हो रहा है, वो पैसा उसको दे दिया जाएगा, आप उससे पैसा मान लें कि उसके लड़की में माने मदद कर दीजिए, गरीब आदमी है। किसी का बहुत ऐसा भी आदमी है कि जिनका मान लें कि पैसा के अभाव में इलाज नहीं हो रहा है, उसको पैसा से इलाज कराया जाएगा।
निश्चित तौर से सोच तो सर आपकी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों ने भी बहुत से पंचायतों में घूमा है, बहुत से लोगों से स्टेटमेंट लिया है, इस तरह की सोच हम लोगों से अभी तक किसी ने इस तरह की सोच साझा नहीं की है सर। तो बात करें अगर, चूँकि पंचायत में आप प्रतिनिधि रह भी चुके हैं, पैक्स भी हैं, और निश्चित तौर से इस बार चुनाव में हैं आप मुखिया के, तो अपने पंचायत तो जरूर घूमा होगा। पंचायत में सर शिक्षा की स्थिति अगर हम जानना चाहें तो शिक्षा की स्थिति क्या है सर? देखिए यहाँ तो मान लें कि सभी पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया सर्वोपरि हैं। एक भी ऐसा स्कूल नहीं है कि जहाँ एक दिन भी मुखिया जी वहाँ पर निरीक्षण करने गए होंगे। उनसे तो उसका मतलब नहीं है। सुबह में उठते हैं, एक चाय की दुकान है वहाँ आते हैं, आधा घंटा 20 मिनट वहाँ चाय वो पी के बैठते हैं। उसके बाद मान लें कि एक झोपड़ी नुमा दुकान है वहाँ 10 बजे से मान लें कि 12 बजे तक बैठते हैं। उसके बाद एक बगीचा है वहीं पर उनको 10 बजे रात तक वहीं पर रहते हैं। उसको दादू के सिवाय दूसरा कोई कमी नहीं है कि हम जनता के फेर में हैं। आज तक पंचायत भवन में एक भी मीटिंग नहीं हुआ जो हमारे पंचायत की जनता इकट्ठा हो और अपनी बात मान लें कि मुखिया या ग्राम सेवक या तहसीलदार के समक्ष उलझ सके। पंचायत में बोला जाए कि शिक्षा की स्थिति गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है जी, बहुत गड़बड़ है। हाँ, स्वास्थ्य की जानकारी है सर क्या देंगे आप? स्वास्थ्य के विषय में तो हम लोग यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक NM है जो टाइम से आती हैं, उतना व्यवस्था हम लोग के पास स्वास्थ्य का नहीं है। तो सर क्या सोचा अगर आप जीत के आते हैं तो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए सर क्या सोचा? देखिए सबसे प्रथम आपसे बोल पे कि एक वार्ड में माने कि कमेटी बनेगी, उसके बाद हर एक स्कूल में एक कमेटी बनती है जो उसका अध्यक्ष वार्ड कमिश्नर होता है। उसमें मान लें कि सचिव होते हैं, उसमें मेंबर 7 गो होते हैं। वे 7ों मेंबर को हमारे तरफ से मुखिया बनने के बाद उन लोगों को पावर दी जाएगी कि आप स्कूल का हर मान लें कि दिन 7 आदमी का दिन है, टीम है, उसमें एक एक आदमी बारी बारी से जाकर देखे कि कौन मास्टर आता है, कौन शिक्षक नहीं आते हैं, नहीं आते हैं तो उसका हाजिरी हम लोग काटेंगे। सोच तो सर बहुत अच्छी है आपकी। मुखिया बनिएगा तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपकी पंचायतों की आएगी आप पे। तो सर पंचायत में नौजवानों जितने भी युवा वर्ग हैं उनके लिए सर आप लोगों ने क्या सोचा? देखिए उनके लिए अभी हमारे पास सरकारी भूमि उपलब्ध है, हाई स्कूल के ग्राउंड हैं कुछ, उसमें बिहार सरकार माने कि सरकार भवन बन गया है पंचायत भवन जी। वहाँ अभी तक एको ग्राउंड नहीं है कि जो बच्चा खेल सके, हम लोग नौजवान खेल सके वहाँ। तो पहला हमारा यही काम होगा कि फील्ड का दुरुस्त करना, चारों बगल से बाउंड्री होगा, दोगने वाला पैड होगा और उसमें अपने तरफ से जितना भी मान लें कि नौजवान साथी हैं, जिम का व्यवस्था कराना, फुटबॉल मान लें कि खिलाना, बैट विकेट का व्यवस्था कराना, सब चीज़ का वहाँ वो मान लें कि उन लोगों के अनुसार मैं उपलब्ध कराया जाएगा। सर बात करें चूँकि पैक्स अध्यक्ष हैं, किसानों के बारे में हम जानना चाहेंगे, अगर मुखिया बन जाइएगा तो उनके लिए सर आप क्या सोचते हैं? देखिए हम मुखिया अभी नहीं हैं जी, तभी हमारा जनता जानती है कि ये मुखिया से कम नहीं है। एक हम चेक पर साइन नहीं करते हैं जी। उसके बाद कोई भी ऐसा काम नहीं है कि हम मान लें कि मुखिया के काम नहीं कर सकते हैं। मुखिया के काम क्या है? जनता का हर दुख सुख में जाना, कहीं ज़रूरत पड़े तो उसको आर्थिक मदद भी करना, मान लें कि ब्लॉक में मान लें कि BDO हो, CO साहब हो, सब लोग के यहाँ डायरेक्ट संपर्क बनाना। तो ब्लॉक से लेकर थाना तक ऐसा कोई भी पदाधिकारी नहीं है कि जो हमसे मान लें कि परिचित नहीं है। हम लोग अपने छवि पर पर्चे बना कर रखे हैं, हम लोग प्रशासन को भी मदद करते हैं। जो अब रही पैक्स अध्यक्ष की बात, तो जो जनता ने हमको चुना है, अपने पहला बात तो हमने चुनाव लड़ा, दूसरा बात ने हमको निर्विरोध लोग चुना। तो मैंने भी प्रण किया कि जितने किसान हमारे हैं पंचायत के, वो हमारे दरवाजे पर दुकान पर आएंगे तो एक भी किसान पैसा हो या न हो, किसी को मैंने वापस नहीं भेजा कि आप खेती मत कीजिए, पैसा नहीं है तो। वो भले माने कितना का भी उधार ले ले, उसको मैंने देने का काम किया। किसान से विशेष नाता है क्योंकि हमारा भी मुख्य पैसा किसानी है जी। उसके सिवाय हम दूसरा काम नहीं करते हैं। तो मजदूर का दर्द हम समझते हैं क्योंकि हमारे खेत में लोग मजदूरी करने आते हैं। किसान का दर्द हम समझते हैं क्योंकि हम किसानी काम करते हैं। निश्चित तौर से आपने जरूर कुछ ना कुछ बेहतर सोचा होगा। जितने भी दर्शक आपके पंचायत के जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहेंगे सर? देखिए हम यही माने कि पंचायत के जनता से हाथ जोड़कर यही कहेंगे
कि हमारे बड़े भाई पढ़े लिखल और मृदुल भाषी आज तो किसी से मान नहीं, कभी इनका तुतु मैं चाहे कहा सुनी भी नहीं हुआ है। मैंने इनको चुनाव में जनता के कहने से लड़ाया, तो हम यही जनता से आग्रह करेंगे कि आप लोग निफिक्र होकर आप लोग वोट कीजिए। आप लोगों की कोई भी समस्या आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी सरकारी योजना आएगी आपके दरवाज़ा पर, हमारा मानना है कि वहाँ के हर वार्ड कमिश्नर आपके दरवाज़ा पर लेकर जाएंगे और बाज़ार पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाढ़ आई, बाढ़ में चिमकी खाती लोगों ने बाज़ार पर दौक दौक आया, पानी हेल कर आया और मुखिया ने कान में रुआ डालकर सूत गए कि हमारा हम चिमकी नहीं बांटेंगे। तो उनके सिवा वो बस एक ही चीज़ बांटेंगे, बस जो नीतीश कुमार माने बंदी किए हैं उसको, जहाँ वो बैठते हैं उसका वहाँ जानिए कि भट्टी खुल गया। और उसके विषय में माने कि आप उसका तहकीकात में जाइएगा, जनता से पूछ लीजिए, उसके यहाँ इसके सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है। निश्चित तौर से आपने अभी सुना, इनका कहना है कि जितने भी सरकार द्वारा योजना आएंगी हमारे पंचायत में, अगर हम मुखिया बनते हैं तो लोग को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितने भी योजना आएंगी मैं अपने लोगों के घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो निश्चित तौर से अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं, पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार निर्विरोध थे, तो ज़रूर इनमें कुछ ना कुछ ऐसी बात थी कि जनता ने इनको फिर से निर्विरोध बनाया है। और इस बार अपने पंचायत में बड़े भाई को चुनाव लड़ा रहे हैं, जनता के कहने पर ही चुनाव लड़ा रहे हैं, तो जनता को ज़रूर कुछ ना कुछ इनमें ऐसा दिखा होगा कि ये चुनाव में है। क्या बोलना चाहेंगे सर? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना का फोटो जब खिंचाने आया तो हम लोगों ने मेहनत किए, हर दरवाज़ा पर गए, 1278 फोटो खिंचाया। उसमें हम कहते हार गए कि एक रोड के दक्षिण 16 नंबर वार्ड आता है, उसमें प्योर माल न कि दलित का बस्ती है। मैंने कहा कि वहाँ लेकर चलिए मुखिया जी, बोले कि नहीं वे सब हमको वोट नहीं देते हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि 6 नंबर वार्ड है जहाँ आपको एक गोड़ पर खड़ा होकर 166 वोटिंग किया था, चलिए 6 नंबर खिंचवाते हैं। तो ना वहाँ जे हमारे अपन बाबू कुल लोग से कार्ड मंगवा लें, फ़ोटो खिंचवा के मंगवा लेंगे और उसी पर हम इंदिरा आवास पास कर देंगे। उस वार्ड में और दलित महादलित बस्ती में एक भी काम नहीं हुआ, सात निश्चय में वही हुआ। माननीय मुख्यमंत्री का मुख्य मुद्दा था कि सात निश्चय योजना वहीं पर लागू होगा जहाँ दलित और महादलित का पहला बने बस्ती है। उसमें सात निश्चय में वार्ड भी चयनित हुआ था, सबसे पहले हम लोगों का माना कि 5 नंबर वार्ड चयनित हुआ, 16 नंबर हुआ और 9 नंबर हुआ। इसमें दलित महादलित ज़्यादा थे, वहाँ एक भी योजना नहीं हुआ। जहाँ ऊंच विचार के आदमी और मानने की थे, जहाँ दबंग थे, वहीं पर काम किया गया और गरीब असहाय के पास कोई भी वार्ड में कोई भी टोला में काम नहीं किया गया। निश्चित तौर से आपने सुना, इनका कहना है साफ तौर पे कि मुखिया द्वारा बहुत सी गड़बड़ी हमारे पंचायत में की गई है, सिर्फ उन पे ध्यान दिया गया है जिन्होंने उनका साथ दिया है। निश्चित तौर से अगर आप मुखिया बनते हैं तो पूरा पंचायत आपका होता है और पंचायत में एक जो मुखिया होता है उसको सब पे ध्यान देना होता है, ना कि जो मेरा है उसी को ध्यान देना होता है। तब निश्चित तौर से कुछ वार्ड जी जी सर क्या जैसे सात निश्चय में कुछ वार्ड ऐसा भी है जी जहाँ पैसा की निकासी मुखिया वार्ड और सचिव के द्वारा मिलकर कर ली गई है, वहाँ योजना धरातल पर नहीं उतरा है। मैंने BDO साहब से बोले हैं, उन्होंने बोले कि आप चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव के बाद इसका हम जांच करा देते हैं। बहुत सा ऐसा भी योजना है जो गलत ढंग से पैसा उठा लिया गया है, उसका भी हम आवेदन BDO साहब के पास दिए हैं, बोले कि चुनाव में हम लोग व्यस्त हैं, चुनाव के बाद आपका एकदम हर जांच माने हम करेंगे, उसके बाद माने कि जो कहिएगा हम कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर से उसके बाद हर पंचायत में पूरे भोजपुर में सिंचाई योजना के तहत किसानों का सबसे महत्वपूर्ण योजना बोरिंग, स्टेट बोरिंग को चालू कराना मुखिया के द्वारा फंड आया, इन्होंने खाता से पैसा निकासी किए, हर ब्लॉक हर पंचायत में स्टेट बोरिंग चालू हो गया। एक बलुए पंचायत ऐसा है कि जहाँ पर बल माने कि एक वहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ, आज तक ना ट्रांसफार्मर लगा ना बोरिंग चालू हुआ। इसको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि किसान तो है नहीं, उनको तो डीलर के पास से आ जाता है, काम चल जाता है, राशन में नाम है चल जाता है, वो जनता के और किसान के फेर में नहीं रहते हैं। बहुत सा ऐसा कार्ड वितरण हुआ था जो अंत्योदय योजना था,
नेट पर नहीं लोड था, डीलर लोग उठा कर खाते थे, अब ऑनलाइन हो गया, सब जांच में आ रहा है, आधा मुखिया जी लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे, नहीं लिए होंगे तो जनता का हक डीलर को दिए कैसे, डीलर खा रहा था। इस पर भी मान लें कि हम लोग एमओ से बात हुआ, एसडीओ साहब से बात हुआ, तो एसडीओ साहब स्पष्ट बोले हैं कि जो जो डीलर मान लें कि गबन किया है वो उठाए किए हैं उसके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर से इनका कहना है कि मुखिया द्वारा हमारे पंचायत में बहुत सी गड़बड़ियाँ की गई हैं, तो ये तो जांच की विषय है, चूँकि चुनाव है, इलेक्शन है, इलेक्शन बाद ये जितने भी समस्याएं हैं इन पे तो जांच जरूर बैठेगी। अब देखना होगा कि पंचायत में क्या रिजल्ट आता है, क्या इस पंचायत में नए चेहरे आते हैं, चूँकि अभी तक जहाँ भी चुनाव हुए हैं आंकड़े ज़्यादातर परिवर्तन के ही दिखे हैं, लगभग 95% तक परिवर्तन हुआ है, तब इस पंचायत में देखना होगा क्या नए चेहरे आता है। मैं विकास कुमार, कैमरा पर्सन अभिषेक पंडित के साथ, धन्यवाद।